यूपी में मिशन 2022 की तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार यूपी में ग्राउंड पर काम कर रही है। भदोही में 5 सितंबर यानी कि कल सपा का शिक्षक महासभा का सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसमें शिक्षक महासभा को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। साथ ही 2022 की तैयारियों को लेकर कैसे शिक्षक महासभा को काम करना है उसको लेकर दिशा निर्देश भी देंगे। देखिए रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी शिक्षकों को लेकर एक बार फिर मैदान में उतरने की तैयारी शुरू कर रही है। दरअसल कोविड काल में हजारों की संख्या में शिक्षकों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन सरकारी मदद नहीं मिली। शिक्षकों की मौत को लेकर सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी। इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ हमलावर बनी रही है। इसके अलावा वित्तीय सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक पिछले लंबे समय से सैलरी नहीं मिलने से परेशान है, जिसको लेकर अब समाजवादी शिक्षक महासम्मेलन के जरिए ग्राउंड पर अध्यापक संघों के साथ सरकार के खिलाफ हुंकार भरेगी। वही सपा के इस मुद्दे को लेकर बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव ने कभी किसी का सम्मान नहीं किया है और कोविड काल में निकलकर किसी की मदद भी नहीं की, और अब चूंकि चुनाव है ऐसे में अखिलेश यादव को सबका सम्मान याद आ रहा है। यह शिक्षकों का सम्मान नहीं है बल्कि अखिलेश यादव का चुनावी दौरा है। अखिलेश यादव अपनी ही बात का विरोधाभास कर रहे हैं, वो जा रहे हैं। शिक्षकों का सम्मान करना आना भी चाहिए, सपा का तो ये तरीका नहीं रहा। हल्ला बोल की राजनीति करने वाले कब से शिक्षकों का सम्मान करने लगे मुझे नहीं पता। जनता के बीच में जो मैसेज उन्होंने कई बार दिया कि ये टीका नहीं लगवाओ, और खुद भी छुपकर लगवा लिया, कब भी पता नहीं चला। और बाकी तो हर चीज का वो फोटो इवेंट करते हैं, कोरोना टीका भी उनको बताना चाहिए था कि नहीं अब मुझे भरोसा हो गया है देश के इस टीके पे। भारत के रोज इतने करोड़ों टीके लग रहे हैं, तमाम देशों को पीछे छोड़ दिया। और कोरोना पे जिस तरह हमने विजय पाई, और उस कोरोना के आपदा काल में अखिलेश यादव वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे और ट्विटर से पार्टी चला रहे थे, आज चुनावी वर्ष आ जाने पर वो निकल कर सम्मान जैसी जो बात वो कहते हैं, मुझे नहीं लगता सपा ने कभी किसी जनता में किसी इस प्रबुद्ध का सम्मान किया। जहां एक तरफ भाजपा इसे चुनावी दौरा बता रही है, वहीं कांग्रेस भी इसे चुनावी नजरिए से ही देख रही है। कांग्रेस का मानना है कि जब कोरोना से मौतें हुई तो प्रदेश भर में सबसे पहले प्रियंका गांधी मदद के लिए सामने आई, और अब चुनाव है तो सभी को जनता की याद आ रही है और सम्मान की बात करने लगे हैं। शिक्षक का सम्मान हर किसी को करना चाहिए, हम भी करते हैं। कबीरदास जी ने लिखा था, कहा था जो है आज भी, कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागौ पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जिस समय शिक्षकों के ऊपर एक तरीके से जब उनकी मृत्यु हुई, उनका ध्यान नहीं दिया गया, उनका शोषण किया गया, उसी समय कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव यूपी के संगठन के प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने उनकी सुधली। अब चुनाव नजदीक है तो कल अखिलेश जी जा रहे हैं, परसों कोई और जाएगा। वह समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी को शिक्षकों का सम्मान रास नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी की परंपरा रही है शिक्षकों का सम्मान करना। सबसे ज्यादा शिक्षकों की भर्ती सपा की सरकार में हुई है। समाजवादी पार्टी ने शिक्षकों का सम्मान हमेशा किया है और करती रहेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल शिक्षक दिवस के अवसर पर भदोही जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को ये बातें गढ़ क्यों रही हैं? क्योंकि पूज्य गांधी ने कहा था कि जो इसने शिक्षा का महत्व समझा है वो हमेशा विद्यार्थी है और वो हमेशा शिक्षकों का सम्मान करेगा। तो समाजवादी पार्टी की तो परंपरा रही है शिक्षकों का सम्मान करने का। और अगर आप उत्तर प्रदेश का अगर पूर्व की हमारे कार्यकाल की सरकार देखेंगे तो सबसे ज्यादा शिक्षकों की अगर भर्ती किसी ने की तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की, अखिलेश यादव जी ने की। बहरहाल जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं के जरिए जमीनी स्तर पर ये संदेश जनता के बीच पहुंचाने की पुरजोर कोशिशों में लगी हुई है कि बीजेपी सरकार में शिक्षक भर्ती समेत कई घोटाले हुए हैं, कृषि कानून पर किसानों की बदहाली और बेरोजगारी बढ़ी जैसे कई मुद्दे लेकर जनता के बीच बने हुए हैं, और अब शिक्षक सम्मेलन के जरिए अखिलेश यादव बीजेपी सरकार को एक बार फिर घेरने की पूरी तैयारी में है।
समाजवादी पार्टी लगातार 2022 की तैयारियां ग्राउंड पर करती हुई दिखाई दे रही है और अब 5 सितंबर को अखिलेश यादव एक बड़ा शिक्षक सम्मेलन करने जा रहे हैं जो कि भदोही में होगा और खुद अखिलेश यादव इस शिक्षक सम्मेलन को संबोधित करेंगे, साथ ही शिक्षकों को सम्मानित भी करेंगे और साथ ही सरकार को घेरने की भी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह कोरोना काल में शिक्षकों की मौत हुई है और उस पर सरकार ने कोई भी सुध नहीं ली, तो सीधे तौर पर अखिलेश यादव एक बड़ा सम्मेलन के जरिए बीजेपी सरकार को एक बार फिर घेरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि चुनावी माहौल है, चुनाव आने वाला है, ऐसे में अब सम्मान की बात अखिलेश यादव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। समीर कनकी के साथ नकबा शेख, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ।